भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में बनियापुर विधानसभा के मशरक बस स्टैंड से बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली का नेतृत्व भाजपा युवा जिला मंत्री सह विधानसभा प्रभारी धीरज कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा युवा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बाइक रैली को मशरक बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण से भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी मंडल अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा ने भाजपा की झंडा को दिखाते हुए बाइक रैली को रवाना किया। बाइक रैली में मुख्य रूप से भाजपा जिला किसान मोर्चा मीडिया प्रभारी श्याम बिहारी सिंह, भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री दुर्गेश गुप्ता, भाजपा मंडल युवा अध्यक्ष विकेश कुमार सिंह, मंडल युवा अध्यक्ष नंदन ओझा, आईटी सेल अतुल पांडे, अनुसूचित जनजाति जिला मोर्चा मंत्री संटू पासवान, स्वामीनाथ गिरी, विशाल चौधूर, अमरनाथ कुमार सहित कई दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये बाइक रैली यदु मोड़ होते हुए बनियापुर विधानसभा के सहाजीपुर मानोपाली बाजार पर पहुंचा, जहां एक जनसभा में परिवर्तित हो गया। सभा की अध्यक्षता भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार सिंह ने किया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। संचालन जिला युवा भाजपा मंत्री धीरज कुमार सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार सिंह, भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय आईटीआई चैनपुर मशरक के निर्देशक पप्पू सिंह सिग्रीवाल ने मुख्य अतिथि भाजपा युवा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह को अंग वस्त्र मोमेंटो एवं फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा मोर्चा भाजपा मोदी दूतों को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं के द्वारा मोदी सरकार की 9 साल में किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा किया गया एवं केंद्र सरकार की जनहित में चलाए जा रहे योजनाओं को बताया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित नव युवकों को नव मतदाता के लिए फॉर्म को भरकर मतदाता बनाने का कार्य किया गया। नव युवकों को अधिक से अधिक मतदाता बनने के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष सागर राय, भाजपा युवा नेता कुंदन कुमार सिंह, राजेश सिंह मंडल उपाध्यक्ष, गोलू प्रसाद, सूरज रस्तोगी, अंशु ठाकुर के साथ साथ काफी संख्या में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।